हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और एक और एक्साइटिंग वीलॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। अब वीलॉग आया करेंगे इंशाल्लाह, हफ्ते में दो दो तीन दिन वीलॉग आया करेंगे। अभी जो है मैं आपको एक खूबसूरत पार्क का विज़िट करवाने जा रहा हूँ। इसकी जो खूबसूरती है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने कहा है क्यों ना अपने व्यूवर्स को, अपने फ़ैन को भी दिखाई जाए, तो आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इसमें छोटा सा मिनी ज़ू भी है जिसमें जानवर वगैरह भी रखे हुए हैं, और वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो जनाब, ये जहां हम अब जा रहे हैं, ये खूबसूरत पार्क है जिसमें ये इंट्रेस्ट पे आपको दो डायनासोर नज़र आ रहे हैं। ये दो डायनासोर, इसे जी इस पार्क का नाम है शेरम वाला पार्क, और ये बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में मौजूद है। और अभी लाइट की वजह से थोड़ा आपको, अगर हम दूसरी साइड से वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको जो है ना व्यूज़ सही नज़र आएगा। ये मेन इंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है, और अभी इस ट्रैक के ऊपर मैं चल रहा हूँ। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, और ये मॉर्निंग वॉक के लिए एक आइडियल जगह है। खूबसूरत दरख्त, और इसका जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने खूबसूरत इसे मेंटेन किया हुआ है। ये यहाँ पे परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये उसके बाद ये वो बहुत वाटर टैंक बना हुआ है रेजिडेंस के लिए। ग्रीनरी बहुत मज़े की है। ये शुतुरमुर्ग का भी ये केज आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा बच्चा है इसमें मेरे ख्याल में शुतुरमुर्ग का। जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये छोटा सा शुतुरमुर्ग है अभी बच्चा। ये मेरे ख्याल में इस पार्क में लाइन भी इन्होंने रखा हुआ है, मिनी ज़ू है तो लाइन का भी मैंने सुना था यहाँ पे है। चलें देखते हैं, जाते हैं, नज़र आता है तो आपको वो भी दिखाते हैं। एंड हेयर वी गो द सेकंड वन। इस केज में क्या है? ये यार कबूतर हैं, और बड़े यूनिक किस्म की नस्ल नज़र आ रही है। आई डोंट नो इस नस्ल का नाम क्या है, लेकिन ये बहुत प्यारे हैं। ये देसी नहीं है। मैं अगर ज़ूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये बहुत प्यारी जो है ना नस्ल है कबूतरों की। मे बी यहाँ पे कहीं नाम लिखा हो, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये इस व्यू से जो है ना खूबसूरत, ज़्यादा ये पार्क ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी केज के साथ अगर हम इस केज में आते हैं ना, तो ये कबूतर जो है ना, ये वाले ये देसी कबूतर हैं जो आम हमारे पास पाए जाते हैं, मतलब गांव में देखें या शहरों में। ये वो कबूतर है, बहुत बड़ा केज बनाया हुआ है इन्होंने। केज का व्यू भी देख लें आप। तो ओवरऑल पार्क जो है ना मुझे बहुत पसंद आया है, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं। लोकेशन जो है इसकी बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में है। यहाँ पे मोर 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 ये बैठा है मोर जी, बहुत बड़ा प्यारा मोर बैठा है। दैट वन इट्स अ ब्यूटी। यहाँ से जो है ना ये ट्रैक का पता चलता है कितना प्यारा ट्रैक है।
ये देखें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस पार्क में, और ये वाली लोकेशन जो है ना, इसमें वो बहुत प्यारी प्यारी बतखें बगले आपको जो है ना वो नज़र आएंगे। ये देखें ये बड़ी, ये देखें बहुत प्यारी जो है ना नेचर का इन्होंने इम्तिजाज बनाया हुआ है। सब जो है ना परिंदे और जानवर इकट्ठे रख के ना एक बहुत प्यारा माहौल सा बना हुआ है। ये खूबसूरत सा ब्रिज है, इस ब्रिज को जो है हम क्रॉस करके फिर आगे नेक्स्ट व्यू जो आपको ना वो दिखाते हैं। ये देखें यहाँ तक जो है ना ये सारा ये इसी का जो है ना बतखों का सेटअप बना हुआ है। ये हेयर वी गो। तो जनाब ये पीछे जो है ना अभी थोड़ा ये अब जो है ना आपको सही नज़र आ रहा होगा। शेरा वाला पार्क। हाँ जी, तो ये देखें जी ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है पूरे पार्क में। जैसे ही वो दूसरी साइड से मैंने आपको एंट्रेंस दिखाई थी मेन जहाँ पे डायनासोर बने हुए थे, उसी की तरफ ये रास्ता जा रहा है। ये टैंकी और ये फर्स्ट केज जो था, ये आई थिंक यहाँ पे एक परिंदे का कोई केज था। तो ये दो ट्रैक बने हुए हैं वॉकिंग के लिए, और ये सीधा जो है ना फिर हम जाएंगे मेन एंट्रेंस की तरफ। इसके अपोजिट भी ना पार्क का एक दूसरा सेटअप बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ये वो एंट्रेंस थी, और इस एंट्रेंस के साइड पर भी रोड है और इस साइड पर भी रोड है। और ये एक है नेक्स्ट जो है ना हिस्सा है इस पार्क का। यहाँ पे जानवरों का सेटअप तो नहीं है, लेकिन वॉकिंग ट्रैक बहुत प्यारे बने हुए हैं, लाइटिंग का बहुत प्यारा निज़ाम है, रात को ये बहुत प्यारा लगता है। ये देखें हाँ ये छोटी छोटी लाइट्स और ये फाउंटेन बना हुआ है बहुत प्यारा, जिसमें जो है वो डॉल्फिन्स ने स्टैचूज लगाए हुए हैं डॉल्फिन्स के। ये देखें शाम का टाइम है, तो अभी जो है ना लोग यहाँ पे मतलब अभी धूप गर्मी है ना, तो धूप वगैरह की वजह से ना अभी लोग जो है ना इतने बाहर नहीं निकलते जल्दी। तकरीबन अभी टाइम जो है ना 5 बजे का टाइम है, तो इस वक्त भी गर्मी जो है ना वो फुल अपने अरूज पे है, तो इस वजह से शाम टाइम यहाँ पर बहुत रश होता है। वॉकिंग ट्रैक पर लोग जो है ना वॉक कर रहे होते हैं, और बाकी लोग भी यहाँ पर जो है इंजॉय करने के लिए आते हैं। अच्छा जी, तो सामने ये वाली चीज़ ये एक है ट्रफेल्गर स्क्वायर, इसको इंग्लिश में ट्रफेल्गर स्क्वायर कहते हैं। और ये कहाँ पे है ये मैं शेयर कर दूंगा पोस्ट के साथ, जैसे ही वो वीडियो अपलोड करेंगे ना साथ आपको शो करेंगे साइड पे कि ये कहाँ पे वाक़ है असल में। तो ये उसकी कॉपी की हुई है, ये शेरों के स्टैचूज बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, ये देखें ब्लैक कलर के शेर है, और इसी तरह चारों साइडों पे सेम एज इट इज़, और बहुत प्यारा व्यू देते हैं ये। तो ये रिहायशों के साथ ये सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। तो जी नतीजे पे आते हैं, शाम के वक्त बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है मैखाना। तो वही बात है जी, सबसे इंसान को जो है ना फुर्सत के लम्हात में वॉकिंग के लिए अपने इन्जॉयमेंट के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट्स जो है ना ये जो है ना ज़रूर विज़िट करें और खुश रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपको किसी अच्छी सी जगह पे लेके जाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।